हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि फ्री स्मार्टफोन स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021। तो फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा सबको। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट ने ये लॉन्च किया थी? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया योगी जी के द्वारा। ठीक है, फ्री स्मार्टफोन स्कीम ताकि सबको स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज इन दिसंबर 2021। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज इशू बाय नीति आयोग। ये नीति आयोग के द्वारा इशू किया गया है, बिल्कुल सही है। तुम्हारा जितना भी इंडेक्स करके कुछ भी रहेगा, हेल्थ इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, जो भी रहेगा वो नीति आयोग सब रिलीज करेगा इंडिया में। अमोंग द लार्जेस्ट स्टेट केरल गॉट द फर्स्ट प्लेस, बिल्कुल सही है। केरल का हेल्थ में बहुत अच्छा रैंकिंग है। अमोंग द लार्जेस्ट स्टेट बिहार रैंक सेकंड फ्रॉम द बॉटम, बिहार सेकंड रैंक किया है फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल सही है। सेकंड रैंक किया है बिहार फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है कि विच स्पेस एजेंसीज विल लॉन्च साइकी मिशन इन 2022 टू स्टडी द एस्टेरॉयड साइकी। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, साइकी कौन सबसे ज़्यादा साइकी है? तो सबसे ज़्यादा साइकी तो नासा ही है, और इससे ज़्यादा साइकी कौन होगा? यही क्या क्या मिशन भेजते रहता है कहाँ कहाँ। फिर उसके बाद है फोर्थ की विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021-2022। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीता है किसने? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये तुम्हारा फोर्थ का सी है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि रिसेंटली इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी संकल्प स्मारक वाज इनोग्रेटेड। तो कौन से स्टेट में संकल्प स्मारक इनोग्रेट किया गया है? तो संकल्प स्मारक जो है ये तुम्हारा कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? तो अंडमान निकोबार में संकल्प स्मारक इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार, ठीक है, तो अंडबंड कुछ नहीं बोलो, संकल्प लेके जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, अंडबंड कुछ नहीं बोलो, ठीक है, जो भी बोलना है संकल्प लेके बोलो। ठीक है, अंडमान ऐसे याद रख लेना। ठीक है, फिर सिक्स्थ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल। तो वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल को किस ने बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मैन्युफैक्चर द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल, ड्यूअल मोड व्हीकल किसने बनाया है? तो ड्यूअल मोड व्हीकल जो है ये तुम्हारा, ड्यूअल मोड तो पता नहीं कि ड्यूअल मोड क्या होता है, लेकिन ड्यूअल मोड व्हीकल जो है ये जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सब गाड़ी के मामले में ये सब जापान ही सबसे आगे है, तो जापान ही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है सेवन्थ नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द साहित्य अकादमिक अवार्ड 2021। तो साहित्य अकादमिक अवार्ड 2021 के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि मेघा मजुमदार वन द साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2021 फॉर हर बुक अ बर्निंग। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मेघा मजुमदार जी ने जीता है, मेघा मजुमदार बुक ने जीता है अ बुक कॉल्ड बर्निंग के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी का अवार्ड। फिर नमिता गोखले
इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर हर नोबल थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड, ये नमिता गोखले जी ने इंग्लिश में जीता है, ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। फिर थर्ड है कि दया प्रकाश सिन्हा वाज गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज प्ले समर्थ अशोक, सम्राट अशोक इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है कि दया प्रकाश सिन्हा वाज गिवन अवार्ड टू प्ले सम्राट अशोक इन द हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर एट है कि विच कैंपेन वाज स्टार्टेड रिसेंटली बाय बिहार गवर्नमेंट विथ द एम ऑफ एंडिंग चाइल्ड मैरिज एंड डोरी सिस्टम। तो चाइल्ड मैरिज और डोरी सिस्टम के लिए कौन सा कैंपेन चलाया जाएगा, ठीक है, टू एंड चाइल्ड मैरिज एंड डोरी सिस्टम। तो चाइल्ड मैरिज और डोरी सिस्टम के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाया जा रहा है जिसका नाम है समाज सुधारक अभियान, समाज को सुधारने का अभियान करेगा, ठीक है, बिहार सरकार समाज को सुधारने का काम करेगा और एंड करेगा चाइल्ड मैरिज और डोरी सिस्टम को एंड करेगा समाज सुधारक अभियान के थ्रू, ठीक है, समाज सुधारक अभियान के थ्रू तो ये चाइल्ड मैरिज और डोरी सिस्टम को ख़त्म करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नाइन्थ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेफ अंडर 19 वुमेन चैम्पियन 2021। तो सेफ अंडर 19 वुमेन चैम्पियन 2021 के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेफ अंडर 19 वुमेन चैम्पियन 2021। इट वॉज ऑर्गेनाइज इन ढाका, यह ऑर्गेनाइज किया गया ढाका में, ठीक है। द विनिंग कंट्री इन दिस वॉज द बांग्लादेश, द विनिंग कंट्री जो था वो बांग्लादेश था, ठीक है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा बांग्लादेश विनिंग कंट्री था इसमें। फिर लास्ट है कि ये बांग्लादेश डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये जो सैफ अंडर 19 वुमेन चैम्पियनशिप हुआ था उसमें तुम्हारा ये ऑर्गेनाइज ढाका में हुआ था और विनिंग कंट्रीज इन दिस वाज बांग्लादेश और बांग्लादेश शिफ्टेड इंडिया इन द फाइनल। फिर 10 है कि रिसेंटली इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड भारत दर्शन पार्क। तो भारत दर्शन पार्क कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो जो भारत दर्शन पार्क है ये तुम्हारा इनोग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली ऑप्शन में रहे तो न्यू दिल्ली से साथ ही जाओ ज़्यादातर, ठीक है। फिर 11th है कि विच इंडियन बॉलर रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग 200 विकेट्स इन द फ्यूएस्ट बॉल फॉर द इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे फ्यूएस्ट बॉल में तुम्हारा सबसे ज़्यादा विकेट 200 विकेट लेने वाला कौन सा बॉलर हुआ, तो ये जो हुआ है बॉलर ये है तुम्हारा मोहम्मद सामी, ठीक है। मोहम्मद सामी जो है ये तुम्हारा 200 विकेट इन द फ्यूएस्ट बॉल फॉर इंडिया इन द टेस्ट विकेट्स, ठीक है। फिर 12th है कि मैसेजिंग ऐप नेम असिग्मा हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैसेजिंग ऐप नेम्ड असिग्मा हैज़ बीन लॉन्च बाय विच नेम ऑफ द फॉलोइंग 12th, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन आर्मी के द्वारा सिग्मा स्वैग, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप नेम असिग्मा हैज़ बिन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। फिर 13 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अमंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट। तो करेक्टली मैच कौन सा है जो कि रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो करेक्टली मैच कौन सा है, अनुपम रे जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया
टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्मामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जगदीश कुमार ये प्रेसिडेंट ऑफ यूजीसी, ठीक है। संजय कुमार सिंह ये तो है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। संजय कुमार सिंह ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, जगदीश कुमार ये प्रेसिडेंट ऑफ यूजीसी है, और अनुपम रे ये तुम्हारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्ममेंट, ठीक है। फिर 14 है कि रिसेंटली विच इंडियन जर्नलिस्ट वाज पोस्टमोसली अवार्डेड द रेडिंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो पोस्टमसली मतलब कि मरने के बाद अवार्ड किया गया रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा इनका नाम है तुम्हारा दानिश सिद्दीकी जो है ये तुम्हारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से नवाजा गया है इनको रेडिंग, ठीक है। हु गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द बिग स्टेट्स इन द रिसेंट रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो हु गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द बिग स्टेट्स इन द रिसेंट रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तुम्हारा रैंकिंग मिला है ये तुम्हारा गुजरात को मिला है, गुड गवर्नेंस में तो गुजरात, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आए हैं तो गुड गवर्नेंस भी तो गुजरात में ही ना होगा। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश बुक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 तो ये द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 कौन लिखा है, तो ये बुक जो लिखा है इसका नाम है तुम्हारा क्या, इनका नाम है तुम्हारा तुम्हारा आंसर होगा सी, ये संजू वर्मा है, ठीक है। संजू वर्मा ये लिखे थे द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.1 संजू वर्मा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नदी उत्सव टू ऑनर रिवर्स, तो कौन सा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नदी उत्सव नाम का मतलब कि ये बनाया है कि ऑनर करने के लिए रिवर को, तो ये अपना गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही वाटर का मतलब कि इतना एफिशिएंटली वाटर का यूज करता है कि वहाँ का नदी भी अभी जीवित हो चुका है सारा नदी अच्छे से, ठीक है। तो ये गुजरात नदी उत्सव मनाने का ये करता है, ओनर करता है, ठीक है। फिर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन ऑनर विथ अ ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसको मिला है, तो ये विराल डीजल को मिला है, ठीक है, देसाई विरल देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है, ठीक है, क्योंकि ये देश का सच्चा भक्त है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का रिसेंटली ज्वाइन किया है इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज डिक्लेयर द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय द पेटा इंडिया, तो पेटा इंडिया के द्वारा किसको डिक्लेयर किया गया बॉलीवुड एक्ट्रेस को डिक्लेयर एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो ये तुम्हारा इसमें किसको डिक्लेयर किया गया, तो आलिया भट्ट को डिक्लेयर किया गया, ठीक है,
आलिया भट्ट को डिक्लेयर किया गया पेटा इंडिया के द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस। फिर 21 है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ अपॉइंटेड द इमरजेंसी यूज़ ऑफ विच न्यू वैक्सीन्स ऑफ COVID-19। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज़ ऑफ विच न्यू वैक्सीन ऑफ COVID-19। ठीक है, तो इमरजेंसी यूज के लिए कौन सा वैक्सीन को अप्रूव किया गया रिसेंटली? तो कोरोना वैक्स, कोवो वैक्स, ठीक है, कार्बी वैक्स, किसको अप्रूव किया गया रिसेंटली? तो ये तुम्हारा सबको, ए बी दोनों को, अभी कार्बी वैक्स और कोवो वैक्स दोनों को अप्रूव किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 22 है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक? तो 2022 फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 7,13,789 किलोमीटर। ठीक है, 7,13,789 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे याद रहेगा 7,13,789। ठीक है, 7,13,789। ठीक है, फिर 23 है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इन हरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या है इंडिया का रैंक? तो इसमें इंडिया का रैंक है सी, थर्ड थर्ड रैंक है। ठीक है, फिर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन दिसंबर 2021। तो ये जाहिर सी बात है, नासा ही कर सकता है ऐसे काम, ठीक है, और तो कोई काम नहीं कर सकता ऐसा। वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, हाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप। फिर उसके बाद है 25 के, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एंड ले द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 11,000 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट अभी ये किए हैं? तो ये जो प्रोजेक्ट किए हैं, ये तुम्हारा रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट भी किए हैं नरेंद्र मोदी, लुहिरी स्टेज वन हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट भी किए हैं, फिर सवरा कुदू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी किए हैं, सवरा सवरा कुदू हाइड्रो प्रोजेक्ट भी किए हैं। ठीक है, सब हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर 26 है, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी बिल्ट फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स एज पर द यूनियन बजट 2022-2023। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कितना बनने वाला है? तो 26 में तुम्हारा 100 बना लो। ठीक है, मोटा मोटी सब कि अच्छा नंबर ही होना चाहिए, 100 नंबर ठीक लग रहा है। ठीक है, फिर 27 है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च खुशहाल रोजगार निगम पोर्टल्स टू रिसॉल्व पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो खुशहाल रोजगार निगम पोर्टल किस पब्लिक ग्रीवेंसेस को ख़त्म करने के लिए खुशहाल रोजगार निगम पोर्टल्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तुम्हारा हरियाणा के द्वारा है, क्योंकि हरा भरा रहेगा तो खुशहाल ही रहेगा। ठीक है, हरा भरा नहीं रहता तो खुशहाल ही नहीं रहता है। ठीक है, फिर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ वन द अंडर 19 एशिया कप टाइटल, अंडर 19 एशिया कप टाइटल, ठीक है, किसके द्वारा विन किया गया है? तो अंडर 19 एशिया कप टाइटल ये तुम्हारा इंडिया के द्वारा विन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वन द अंडर 19 एशिया कप टाइटल, ये इंडिया के द्वारा
विन किया गया है अंडर 19 एशिया कप टाइटल। ठीक है, फिर 29 है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड किसको रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ अ रेलवे बोर्ड। तो न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ अ रेलवे बोर्ड किसको ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 29 का सी विनय कुमार त्रिपाठी को, विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, ट्रेन का सीईओ बनाया गया, विनय कुमार त्रिपाठी को ट्रेन का सीईओ बनाया गया। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी को ट्रेन का सीईओ बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 30 है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू रीनेम द आइलैंड आफ्टर द क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रीनेम करना का मतलब रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस द रीनेम द आइलैंड आफ्टर द क्वीन एलिजाबेथ। तो कौन कर सकता है, ये वही कर सकता है जो कि यूके के बहुत नज़दीक है। तो यूके के बहुत नज़दीक न्यूजीलैंड नहीं है, इटली नहीं है, मैक्सिको नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नज़दीक है। ठीक है, फिर 31 है कि इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन्स वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये जाहिर सी बात है चाइना ही होना चाहिए 31 का ए मेट्रो लाइन। ठीक है, फिर 32 है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच 3 ट्रिलियन मार्क वैल्यू। तो 3 ट्रिलियन मार्क वैल्यू पर रीच करने वाला कौन सा वर्ल्ड का फर्स्ट कंपनी बना है, तो ये तुम्हारा एप्पल बना है। ठीक है, एप्पल 32 का ए। फिर उसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट 48 G7 समिट इन द ईयर 2022। तो G7 2022 में कौन सा कंट्री मतलब कि G7 का समिट ये करेगा, ये जर्मनी करेगा 2022 में 48 G7 का समिट का मेजबानी। ठीक है, फिर तुम्हारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ ONGC इन जनवरी 2020। तो MD किसको बनाया गया है तुम्हारा, किसका, ONGC का MD बनाया गया है किसको, तो ONGC का MD बनाया गया है अलका मित्तल को। ठीक है, अलका मित्तल को बनाया गया है। ठीक है, ONGC का ये, ठीक है, MD। फिर 35 है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 इंडिया इज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ FDI इक्विटी इनफ्लो। तो ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंडिया इज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ FDI में टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री किसके थ्रू आता है इंडिया में, तो जनरली तुम्हारा किसके थ्रू आता है, तो 35 का बी सिंगापुर के थ्रू आता है FDI सबसे ज़्यादा। ठीक है किसके थ्रू आता है, सिंगापुर के द्वारा आता है। हेलो, हाँ बोलिए। वो मैंने बोला ना कि 3 मंथ्स के बाद, अभी थोड़ा फाइनेंशियल इशू है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, रिसेंटली इन विच कंट्री अ न्यू वेरिएंट B1.6402 COVID-19 हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो ये जो है बी जो वेरिएंट है, ये तुम्हारा कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है, ये तुम्हारा फ्रांस में आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री। तो ये जाहिर सी बात है जहाँ पर पढ़ाई लिखा अच्छा होता है केरल हाई कोर्ट ही होगा, 37 का ए। ठीक है, फिर विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द स्मोक फ्री स्टेट विथ LPG।
स्मोक फ्री स्टेट हो गया है, एलपीजी सब घर में एलपीजी है, तो ये तुम्हारा कौन सा स्टेट होगा? ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है, क्योंकि सब में एचपी कनेक्शन मिल गया सबको, ठीक है, एचपी का कनेक्शन मिल गया, ठीक है। फिर है कि पद्मश्री अवार्डीज सिंधु ताल सपकल सपकल सिंधु ताल सपकल हैस पास्ड अवे इन द ईयर 2021। सी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल? तो सिंधु सिंधु ताल सपकल हैज पास्ड अवे इन द ईयर 2021। हैज सी हैज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल? तो सी हैज रिलेटेड टू सोशल वर्क। सिंधु ताल सपकल इज रिलेटेड टू सोशल वर्क। फिर 40 है कि वेयर वॉज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज ऑन 7 to 8 जनवरी 2022। तो ई गवर्नेंस जो 7 से लेकर 8 तक ऑर्गेनाइज किया गया था 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था तुम्हारा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। फिर उसके बाद है तुम्हारा 41 की वेयर विल द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो यूथ फेस्टिवल कहाँ होगा? तो ये यूथ फेस्टिवल तुम्हारे पांडिचेरी में होगा, ठीक है, पांडिचेरी बहुत यूथ लोग जाते हैं तो एस मच करने के लिए, ठीक है। तो यूथ फेस्टिवल पांडिचेरी में होगा, ठीक है। फिर 42 है, रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज पास्ड अ बिल टू सेटअप टीचर यूनिवर्सिटी? तो टीचर यूनिवर्सिटी कौन सेटअप करने वाला है? टीचर यूनिवर्सिटी जो सेटअप करेगा ये तुम्हारा दिल्ली सेटअप करेगा टीचर का यूनिवर्सिटी, क्योंकि सब वहीं से टीचर सीखना चाहिए वहाँ के, कितना अच्छा स्कूल को कर दिया, ठीक है। फिर 43 की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एंटी टेररिज्म कमिटीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स फॉर द ईयर 2022? तो ये कौन अपॉइंट किए जाएंगे? तो ये जो अपॉइंट किए जाएंगे ये तुम्हारा टी एस तिरुमूर्ति जो है इंडिया के ही हैं, वही एंटी टेररिस्ट कमेटी के मतलब टेररिस्ट कमेटी के सिक्योरिटी काउंसिल का तरह अपॉइंट किए जाएंगे टी एस तिरुमूर्ति, ठीक है, टी कितना बार आ रहा है इसमें। फिर 44 है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मीनदाम मंजपाई स्कीम्स टू एनकरेज द यूज ऑफ द कॉटन बैग? मीनदाम मंजपाई, ठीक है, तो ये कौन से था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के द्वारा, मीनदाम मंजी पाई, ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा किया गया टू एनकरेज द यूज ऑफ अ कॉटन बैग। फिर 45 है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन जनवरी 2022? तो विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन जनवरी 2022? तो किसके द्वारा साइन किया गया है, किस कंट्री का डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए? तो इंडिया हैज साइंड डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए किस कंट्री के द्वारा साइन किया है? तुर्कमेनिस्तान के द्वारा साथ साइन किया है, ठीक है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी का आई मिलता है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में। फिर 46 है वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनोग्रेट? वेयर वाज द इंडियन फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनोग्रेट? तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है पहला रॉक म्यूजियम? तो ये तुम्हारा हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है रॉक म्यूजियम, ठीक है। 47 है कि विच 100 डेज
रीडिंग कैंपेन वाज लॉन्च बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम 1 जनवरी 2022। 100 डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो इसका क्या है, मतलब कि इसका मोटो ये क्या है, मोटो क्या है? तो इसका मोटो यही है कि तुम्हारा बढ़े भारत, ठीक है, बढ़े भारत, बड़े भारत, बढ़े भारत, बढ़े भारत, ठीक है। फिर 48 है कि विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इन जनवरी 2022। तो बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड किसको मिला है? तो ये तुम्हें मिला है स्मृति मंधाना का, क्योंकि ये स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट क्रिकेट में, ठीक है। 49 बोल रहा है कि इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वॉज लेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। द इन विच सिटी फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वॉज लेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहाँ पर? मेरठ में लेड ऑन हुआ है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी लेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पर हुआ है? लेडोन, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में हुआ है, ठीक है, यूपी के मेरठ में, ठीक है। फिर रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। तो कौन सा वुमेन साउथ पोल अकेले गई है? तो ये तुम्हारा प्रीति चांदी, ठीक है, क्योंकि यही मतलब कि साउथ पोल से बहुत ज़्यादा इसका प्रीत है, ठीक है, लव है, ठीक है, इसलिए प्रीति चांदी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।